इसका अर्थ है हिंदी में एक देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्यों को जोड़ लेते हैं। मान लीजिए इतने साइकिल बनी, इतने स्कूटर बने, इतने मोटर बने, इतने करोड़ मीटर कपड़ा बना, इतना चावल, इतना गेहूं वगैरह वगैरह जो कुछ भी वस्तुओं और सेवाएं देश भर में उत्पन्न होती है बाजार मूल्यों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर वो आ जाएगी जीडीपी। देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे तो उसको बोलते हैं पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी। अब मैं जो सवाल उठा रहा हूं यहां पर, ये जो जीडीपी की गणना करने का आपने तरीका अपना है यही गलत है। कैसे गलत है? दो तीन सरल उदाहरण से मैं अपनी बात को रखता हूं। अपने देश में जो किसान है, किसान जो पैदा करता है, आजकल गुड़ का और गन्ने का सीजन चल रहा है तो गन्ना पैदा किया, गुड़ पैदा किया, खंडसारी पैदा, चावल पैदा किया, दालें पैदा की, तो जो कुछ भी किसान पैदावार करता है पहले अपने घर के खर्चे के लिए रख लेता है और शेष को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। बाजार में बेचने के लिए किसको ले गए? अपने घर के कंजम्पशन के लिए रख लिया, उसको छोड़कर बाजार में बेचने के लिए ले, तो इसको जो घर के लिए रख लिया उसको बोलते हैं सेल्फ कंजम्पशन, अपने उपभोग के लिए रख लिया। तो मार्केट वैल्यू किसकी आएगी? मार्केट वैल्यू तो केवल उसकी आएगी जो बाजार में मंडी में बेचने के लिए ले गया। तो आपकी जीडीपी में सेल्फ कंजम्पशन तो शामिल नहीं होगा। तो आपकी गणना सही कैसे है? भारत जैसे देश में खासतौर से ये अपने परिवार का रिवाज ही है, जो कुछ भी पैदा करते हैं पहले घर के खर्च के लिए उसको रख लिया जाता है। पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है, सबको बाजार में बेचने के लिए ले जाते और फिर खरीद के लाते हैं, उनकी जीडीपी ज्यादा हो गई और हमको कह दिया तुम्हारे देश की जीडीपी कम है, गणना सही है। और उदाहरण देता हूं, हमने अपने किचन गार्डन में कुछ सब्जियां लगा ली, टमाटर लगा लिए, पुदीना लगा लिया, धनिया लगा ली, हरी मिर्च लगा ली, असल तोरी बड़ी जल्दी हो जाती है तो तोरी लगा ली, भिंडी लगा ली। आपने किचन गार्डन में जो कुछ सब्जी लगाई थी उस सब्जी को किचन गार्डन से डायरेक्टली तोड़ करके किचन में पका ली, पैदा तो हुई पर मार्केट में बेचने के लिए नहीं ले गए। वर्तमान जीडीपी के गणना में ये जो हमने डायरेक्टली प्रोड्यूस किया और डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया ये जीडीपी में शामिल ही नहीं होता। इस गणना को सही मानेंगे क्या? हमारे अपने देश के परिवारों में, हमारे देश के परिवार छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं। परिवारों में क्या बनता है? पापड़ बनते हैं, बढ़िया बनती है, अनेक तरह के अचार बनते हैं, मुरब्बे बनते हैं, चूर्ण चट्टियां बनती है, चपातियां बनती है, भोजन बनता है, वो तो कहीं मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता है। तो भारत की जीडीपी को कैलकुलेट करते समय भारत के परिवारों ने ये जो कुछ सामानों का उत्पादन किया वो तो जीडीपी में शामिल नहीं हुआ। पश्चिमी देशों में तो परिवार नाम का कोई खेल ही नहीं, सब कुछ होटल में खाने जाएंगे या होटल का बना हुआ खाना बुलाएंगे, तो वहां की मार्केट वैल्यू ज्यादा है। इसलिए लोगों ने कह दिया हम आपसे अधिक विकसित है क्योंकि हमारी जीडीपी ज्यादा है। स्वीकार करेंगे कि जीडीपी की इस गणना दोषपूर्ण है। जीडीपी के सब 50 उदाहरण दे सकते हैं। मेरे परिचय में बताया गया मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, ऐसा भाषण देने के लिए मैं किसी विश्वविद्यालय में जाता तो इस भाषण का मरा से मरा विश्वविद्यालय भी कम से कम 10,000 रूपये मुझे देता और इतना बढ़िया भाषण नहीं देता। पर हमारे यहाँ चेतन जी और इनकी संपूर्ण टीम एक पैसा मुझे नहीं देने वाली, जीडीपी कम होने हमारे देश में ऐसे हजारों लाखों की समय संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता है, संत है, महात्मा है, देश और समाज में घूम करके बड़ी सेवाएं दे रहे हैं,
उनकी सेवाओं की गणना जीडीपी में नहीं होती है। वहां तो कोई चर्च का पादरी भी होगा तो उसको तनख्वाह मिलती है, इसलिए उनकी जीडीपी ज्यादा है, हमारे देश की जीडीपी कम है। स्वीकार करेंगे क्या जीडीपी के ऐसी गणना? इसलिए कुल मिलाकर के मैं आज वो बात को बहुत वर्षों से कह रहा हूं, कोई आज से कह रहा हूं ऐसा नहीं है। ये जो जीडीपी की गणना इसको ही रिविजिट करना चाहिए, पुनर्चिंतन। सारी दुनिया भर में सवाल उठकर खड़ा हो गया, आप किसी वन क्षेत्र में उसकी ब्यूटी देखने के लिए कार में बैठकर जाते थे, तो कार में पेट्रोल लगा, कार में डीजल लगा, और आप सारे रास्ते में क्या करते रहे, पॉल्यूशन करते रहे ना। ये जीडीपी में शामिल होगा, यानी पॉल्यूशन की वृद्धि ये जीडीपी में शामिल होगी, क्योंकि आप देखने के लिए गए और वो जो वन क्षेत्र में रहने वाले लोग रोज ही वन की छटा देखते हैं, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जीडीपी की वर्तमान की गणना दोषपूर्ण है, इसलिए जीडीपी पर आधारित विकास की परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, अब तो दुनिया भर के अनेक विचारक बोल रहे हैं, बहुत जगह पर रिविजिट करना शुरू हो गया है कि केवल जीडीपी के आधार पर हम ग्रोथ रेट को मापेंगे। बहस क्या चलती है अपने देश, सारी बहस ये चलती है 7% ग्रोथ रहेगी 9%, ये पर झगड़ा हो रहा है। 7% का कोई मतलब है, 9% का मतलब है, किस पर झगड़ा कर रहे हो? कौन सी ग्रोथ रेट पर आप जीडीपी पर आधारित ग्रोथ रेट का विचार कर रहे हो? तो इसलिए एक बहुत बड़ा भारतीय संकल्पना के आधार पर विकास का रास्ता हम तय करेंगे, तो केवल और केवल जीडीपी को गणना नहीं करना, ऐसा मेरा कहना नहीं, पर केवल और केवल जीडीपी के आधार पर विकास की गणना करना ये दोषपूर्ण है, इसको फिर से विचार करना चाहिए। दुनिया भर में अनेक फैक्टर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं, जिसकी चर्चा मैं बाद में जब भारतीय संकल्पना की बात करूंगा तब करूंगा, ये पहली बात। दूसरी बात, विकास में लक्ष्य तय किया जाता है, क्या लक्ष्य है? अब क्यों ये विकास की नीति क्यों बना रहे हो, ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों बना रहे हो? हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बनी, तो पंचवर्षीय योजना बनती क्यों है? कुल मिलाकर संपूर्ण दुनिया भर में विकास की योजना का एक ही लक्ष्य बताते हैं, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, आम आदमी के रहन सहन स्तर में वृद्धि। अब आम आदमी वो दिल्ली वाला मत समझे जाएगा, सामान्य व्यक्ति के रहन सहन स्तर में वृद्धि, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है तो आपकी विकास की योजना का लक्ष्य पूरा होगा। मैं बेसिक सवाल उठा रहा हूं आपसे, अब सवाल यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता कब है और घटता कब है, क्या मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आजकल जो परिभाषित करते हैं हम सब लोग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, आपकी टोकरी में उपभोग करने के लिए कितनी वस्तुओं और सेवाएं हैं, जिसकी टोकरी में उपभोग करने के लिए वस्तुओं और सेवाएं ज्यादा होगी, वर्तमान परिभाषा ये कहती है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है, और जिसकी टोकरी में उपभोग करने के लिए वस्तुओं और सेवाएं कम है, आजकल हम क्या मानते हैं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है। अब देखिए ये कैसा गलत है, मान लीजिए एक व्यक्ति इस परिभाषा को सुनकर अर्थशास्त्री से यह परिभाषा तो ऐसे संकटों का कारण तो अर्थशास्त्री ही, तो उसने ये सुना सुबह से लेकर शाम तक खूब खाता है, खाया जाता है खाया जाता है खाया जाता है, पूछे तू क्यों इतना खा रहा है, तो उनका मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा, क्योंकि ज्यादा खाने से ज्यादा उपभोग करने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, ऐसी परिभाषा सुनी है मैंने। अब ज्यादा ओवर ईटिंग करेगा तो बीमार हो जाएगा, बीमार आदमी कहां जाता है, कोई डॉक्टर बैठा तो नहीं है, तो उसकी टोकरी में डॉक्टर की सेवा और जुड़ गई, वर्तमान परिभाषा देखिए उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
और डॉक्टर साहब क्या लिखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन दवाई लिखेंगे ना, तो दवाई लेकर आएगा तो उसकी टोकरी में वस्तुओं सेवाएं के रूप में दवाएं और जुड़ गई। आज की परिभाषा कहती है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो गया, एक व्यक्ति सादा जीवन जीता है। जरूरत पड़ने पर ही चीजों का उपभोग करता है, तो उसकी टोकरी में वस्तुओं और सेवाएं कम है और वो अभागा बीमार नहीं पड़ता। तो डॉक्टर साहब के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, दवा नहीं आती। तो आज की परिभाषा उनको ये कहती है पहले व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसे और क्या लग रही है। सारी दुनिया का डायरेक्शन क्या है विकास का, जिसको आप विकास बोल रहे, मोर कंजर्वेटिव, मोर कंजर्वेटिव, खूब खाओ खूब खाओ। ये जो 2008 में अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, वैश्विक मंदी आई, बहुत सारी स्टडी हुई है उसके बाद अनेक कारण थे, पर एक महत्व का कारण था ओवर कंजम्पशन, कंज्यूमरिज्म। अमेरिका के लोगों का पर कैपिटा कंजम्पशन सर्वाधिक है। हमारे देश में भी एक ऐसे ऋषि हो गए थे, पंडित तो ऋषि का उसको दार्शनिक चार्वाक हो गए थे, चार्वाक ने कहा धर्म कृत्वा व्रतम पीले भस्मी भूत से देह पुनरागमन कर। उसने कहा भाई खूब खाओ, अपनी जेब में पैसा नहीं तो उधार ले लो, देना थोड़ा ही हो, ये फिर शरीर थोड़े मिलेगा। भारत के लोगों ने चार्वाक के दर्शन को रिजेक्ट कर दिया, तो बेचारा हताश हो गया, निराश हो गया। हताश निराश आदमी कहां जाता है, अमेरिका ही जाता है ना, तो चार्वाक ही वहां चला गया। अमेरिका के पट्ट शिष्य है चार्वाक, उन्होंने भी ये कहा कृपा घटन की जगह कुछ तो और पीले है, उसका नाम मैं नहीं देना, तो वह खूब कंजम करो। और ये 2008 का क्राइसिस आया, वहां के बैंकों ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मकान खरीदने के लिए उधार दिया। उस समय के जो एनालिस्ट थे वो बताते हैं अमेरिका में किसी के पास मकान नहीं था तो बैंक वाले बुलाते थे, तुम अमेरिका में रहते हो, हाँ यही रहता, तुम्हारे पास अपना मकान है, उनका नहीं है, क्यों नहीं है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अरे हम नहीं है, तुम खरीदो। तो बैंकों ने उनको पैसा दे दिया, मकान खरीदो। जिसके पास एक मकान था उसको बुलाया, तुम अमेरिका में रहते हो, हाँ अमेरिका, एक ही मकान है, अरे एक ही है क्या, दो मकान होने चाहिए, बदल बदल कर रहना, हस्बैंड वाइफ बदलते हैं बार बार में, तो मकान ही बदल सकते क्या, तो उनका सब पैसा नहीं है मेरे पास खरीदने का, तो उनका हम दे। तो जिसके पास एक मकान था उसको बैंकों ने फाइनेंस करके दो मकान दिलवा दिए, जिसके पास दो मकान थे उसका तुम अमेरिका में रहते हो, हाँ अमेरिका में दो ही मकान है, दो ही। तो वहां एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं होलीडे होम्स। होलीडे होम्स का मतलब है छुट्टी वाले दिन घर वालों से छुप करके मटर गस्ती करने के लिए जाने का स्थान, उसको होलीडे होम्स बोलते हैं। तो मतलब होलीडे होम्स नहीं है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम देंगे फाइनेंस। तो बड़ी मात्रा में लोगों को लोन दे करके उन्होंने ये मकान खरीद हुआ, बहुत स्टडी जारी उस समय के क्राइसिस। अब आप कहोगे साहब लोन लेकर के मकान खरीदना बुरी बात है, नहीं बुरी बात नहीं, पर लोन देते समय लोन देने वाला एक बात का ध्यान रखता है, जिसको उधार दिया जा रहा है उसकी पेइंग कैपेसिटी है। अमेरिका के बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पेइंग कैपेसिटी का विचार किए बिना लोन दे दिया। उन्होंने कहा ये तो पिछड़े देश देखते हैं, ये तो भारत जैसे देश चुकाने की क्षमता है, हम तो एडवांस कंट्री, हमने चुकाने की क्षमता का विचार नहीं करा। और किन को लोन दिया, उन दिनों के अखबार आप लोगों ने इसे किसी ने पढ़ा होगा, उन दिनों में एक टर्म आई थी, बैंकों ने लोन दिया जिनको बोलते हैं निंजास, निंजा एग्रीवेशन, निंजास जिनको बोलते हैं नो इनकम, जिनके पास कोई इनकम नहीं है, नो जॉब, जिनका कोई काम धंधा नहीं,
बाप दादा की कोई संपत्ति हो, ऐसे लोगों को लोन देंगे जिनकी न इनकम है, न जिनका काम धंधा है, न संपत्ति है, वो वापिस कर पाएंगे क्या? बैंकों ने जब उगाने का प्रश्न आया तो उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए, तुमको को दिखाई देता हूं दोगले लोग, वो तो निखट्टू लोग से क्या मिलता हूं। एक ही झटके में दुनिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री में यह पहला किस्सा हुआ है, एक ही झटके में अमेरिका के 40 बैंक्रप्ट हो गए, धराशायी हो गए, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उन दिनों में आप लोगों ने अखबार में पढ़ा हो लिक्विडिटी ट्रैप में अमेरिकन इकोनॉमी फंस गई, और लिक्विडिटी ट्रैप में अमेरिकन इकोनॉमी फंस गई तो सारी दुनिया में वो संकट धीरे धीरे फैलता चला है। इसलिए दूसरी चीज जिसको रिविजन करने की आवश्यकता है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, क्या हम उसका उद्देश्य ये रखें क्या कि कंजम्पशन को बढ़ाए? अगर ये रखेंगे तो जो संकट अमेरिका में आया दुनिया के देशों में भी आएगा, इसको रिविजन करने की जरूरत है। कंज्यूमरिज्म आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट है उपभोक्ता का, अब चल रहा है, बहस चल रही है इस पर से, पर भारत को सचेत होकर के इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। ये दूसरी बात, वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल की तीसरी बात है, पहली दो बात स्वीकार कर लेते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन है, इम्प्लाइड है। अगर आपने जीडीपी की परिभाषा उस रूप में कर दी और अपने विकास का लक्ष्य आपने ये कह दिया कंजम्पशन बढ़ाना, तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना, तो तीसरा क्या चल रहा है सबसे, मोर प्रोडक्शन खूब बढ़ाओ, उपभोग भी बढ़ाओ और प्रोडक्शन भी बढ़ाओ। हम इकोनॉमिक्स के लोगों ने इसका एक सिद्धांत भी दे दिया, ज्यादा उपभोग होगा तो बाजार में ज्यादा मांग आएगी, ज्यादा मांग आएगी तो फिर ज्यादा उत्पादन होगा, और ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। सिद्धांत घड़ने में हम बड़े मशहूर हैं, ऐसा बढ़िया सिद्धांत प्रचार में है, बिल्कुल लॉजिकल है, और इसलिए दुनिया के सामने ग्रोथ मॉडल के नाम पर हमने रखा गया, खूब उपभोग करो और खूब उत्पादन करो, और उपभोग की अनंत आवश्यकताएं तुम्हारी होती रहनी चाहिए, सुरसा की तरह इच्छाएं तो कभी पूर्ति होती नहीं है, बढ़ती जाती है और आवश्यकताएं बढ़ाती जाती है। तो एक विशेष सर्कल में दुनिया की इकोनॉमी इस समय पर फंसी हुई है, ज्यादा उपभोग ज्यादा उत्पादन, और ज्यादा उत्पादन करने के लिए दो काम करने पड़ते हैं, सारी दुनियाभर में वही हो रहा है। पहला काम करना पड़ता है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दुनिया के जिन देशों ने ज्यादा उत्पादन किया, किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, जापान ले लीजिए, भारत भी खुद अंधा होकर के जितनी मात्रा में चला, तो ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण। अब सारी दुनिया चिल्ला रही है पर्यावरण, पर्यावरण के लिए तो तुम्हारा सिद्धांत ही जिम्मेवार है ना, दुनिया का विकसित देश बनने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक साधनों का शोषण किया ना, परिभाषा ही आपने ऐसी दी। ये पहला संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन करने के लिए दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधन बचे ही नहीं, सारा लोहा खा गए, सारा कोयला खा गए, सारा तेल पी गए, पानी का तो विचार ही मत करिए, सारे पेड़ पौधे वृक्ष काट डाले, बचा क्या है? सारी दुनिया में संकट खड़ा हो रहा है, जो सस्टेनेबिलिटी का संकट आ रहा है ना सारा, सब चिल्ला रहे हैं प्रेजेंट ग्रोथ मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। अरे जिम्मेवार तो तुम हो, तुमने हमको ये पढ़ाया, तुमने हमको ये सिखाया, ज्यादा उत्पादन करना है तो प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण करो, तो ये पहला काम होता है ज्यादा उत्पादन करने। दूसरा काम क्या होता है, बड़े बड़े यंत्रों वाले ऊर्जा भक्षी टेक्नोलॉजी पर आधारित बड़े बड़े कारखानों का निर्माण, जितने दुनिया में कहते हैं ना हमने बड़ा अचीवमेंट कर लिया।